Dear students, today we will discuss the next topic in antibiotic. Next topic of antibiotic is basic structure of penicillin. अब जो penicillin है हम लोग penicillin की जो basic structures है उसके साथ कौन कौन से groups हम लोगों ने जो है साथ में लगाकर हम लोग drugs को prepare करेंगे इन सब का हम लोग study करेंगे basic structure of penicillin. अब ये हमारे जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है पेंसिलिन की. इसमें हमारे पास जो है पीनम, थायाजोनिडिन एंड जो हमारे पास है जो ड्रग है वो हमारे पास बीटा लैक्टामिन इसमें प्रेजेंट है. ये बीटा लैक्टामिन है, थायाजोनिडिन है और हमारे पास है एक जो स्ट्रक्चरिंग है इसमें अवेलेबल पीनम. अब जो हम बेसिक स्ट्रक्चर पेंसिलिन में क्या देखेंगे किसमें जो हमने नेम ऑफ पेंसिलिन और जो आर है यहाँ पर आर क्या है, आर की जगह हम कोई भी एनी ग्रुप्स हम लोग इसमें अटैच कर सकते हैं जिससे हमारे पास जो है वो एक नया जो कंपाउंड है वो बन जाएगा. अब जो आर है आर की जगह हम लोग कौन कौन से ग्रुप्स इसके साथ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं रिंग में. जैसे बेंजाइल पेंसिलिन बनाना है तो हम लोग बेंजाइल पेंसिलिन की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे CH2 एंड बेंजीन. अगर एम्पिसिलिन है तो एम्पिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है ग्रुप है वो हम लोग इसके साथ आर की जगह ऐड कर सकते हैं. वो हमारा एक नया जो है वो सब्सटेंसेस जो नई ड्रग है वो प्रिपेयर हो जाएगी. अब जो पेंसिलिन है पेंसिलिन हम जैसे हमें पता है कि ये मेन ड्रग है जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है एनालॉग्स ग्रुप्स हैं जो वो प्रिपेयर करते हैं. हम लोग अब नीचे डिस्कस करेंगे नेम ऑफ पेंसिलिन और आर कि इस आर है जो आर की जगह हम कौन कौन से ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं और उनके जो है अटैच करने का उनके जो इफेक्ट है एक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसको हम लोग जो उसका स्पेक्ट्रम है उसकी एंटीबायोटिक्स है उसकी हाइड्रोलिसिस है पेंसिलिन की उनको कैसे हम लोग है वो और जो ग्रुप्स लगाकर उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कि जो हमारी पेंसिलिन ड्रग है अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी एनी ग्रुप अटैच कर दिया तो उसका हमारे रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे जो हमारी ड्रग प्रिपेयर होगी उसका कितना हमारी बॉडी पे इफेक्ट है. फर्स्ट वन हम नेम ऑफ पेंसिलिन में हम फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे बेंजाइल पेंसिलिन. अब जो हमारे पास बेंजाइल पेंसिलिन है इसको हम लोग पेंसिलिन जी भी बोल देते हैं. पेंसिलिन जी भी हम बेंजाइल पेंसिलिन को बोल देते हैं. अब जो हमारे बेंजाइल पेंसिलिन है इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो ग्रुप है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे. CH2 बेंजीन प्लस CH2 ये हमारा बेंजाइल है. जब हम इसे पेंसिलिन के साथ अटैच कर देते मान लो हमने ये रिंग है यहाँ पर आर ग्रुप पे आर की जगह हमने ये बेंजाइल लगा दिया तो ये हमारा क्या प्रिपेयर हो गया बेंजाइल पेंसिलिन. क्योंकि पेंसिलिन को तो हमारे पास ऑलरेडी पहले ही स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हमने आर की जगह क्या लगाना था ग्रुप अटैच करने थे जिससे हमारे पास वो जो है एक नया कंपाउंड है नई प्रेपरेशन है वो प्रिपेयर हो जाते. इसके साथ अगर हमने जब बेंजाइल लगाया तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बन गई बेंजाइल पेंसिलिन. सेकंड है हमारे पास एग्जांपल
एंजाइम पेंसिलिन के बाद हमारे पास एग्जांपल है एम्पिसिलिन। अगर हम लोग जब अल्फा एमाइनो जो बेंजाइल है उसको हम ड्रग के साथ पेंसिलिन के स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास वो ड्रग बन जाती है एम्पिसिलिन। यही हमारे पास एम्पिसिलिन। जो एम्पिसिलिन है ये हमें इसको क्या बोलते हैं अल्फा अमाइनो बेंजाइल। इसको हम अदर नेम क्या बोलते हैं अल्फा अमाइनो बेंजाइल। अब हमारे पास जो है वो थर्ड हमारी एग्जांपल है इसमें फिनोक्सी मिथाइल पेंसिलिन। जो फिनोक्सी मिथाइल पेंसिलिन है वो हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग है। जो हमने फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की थी ड्रग वो थी हमारे पास सेमी सिंथेटिक ड्रग जो इंट्रोड्यूस की थी वो थी फिनोक्सी मिथाइल पेंसिलिन। फिनोक्सी जो मिथाइल पेंसिलिन है उसके हमारे पास क्या स्ट्रक्चर वो हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन ओ सी एच टू ये हमारी स्ट्रक्चर है फिनोक्सी मिथाइल बेंजीन की। जो फिनोक्सी मिथाइल बेंजीन है वो हमारे पास क्या है फर्स्ट सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है फोर्थ है कार्बेनिसिलिन। जो कार्बेनिसिलिन है वो भी हमारे पास अल्फा जो है कार्बोनिल बेंजाइल ग्रुप की ड्रग है अल्फा बेंजाइल ग्रुप से रिलेटेड है। कार्बेनिसिलिन है उसके साथ हम लोग जो ड्रग्स लगाते हैं उसमें कार्बोक्सी जो ग्रुप है वो अटैच करते हैं बेंजीनिलिन के साथ। बेंजीन रिंग है उसमें सी एच तो और उसके साथ जो है वो कार्बोक्सी जो ग्रुप है वो अटैच होगा। जो हमारे पास कार्बेनिसिलिन है वो है अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल हम उसे बोल देते हैं। जो नेम ऑफ पेंसिलिन जो हम लोग
पेंसिलिन की स्ट्रक्चर के साथ हम लोग इनको आर ग्रुप्स को अटैच कर देते तो ये हमारे पास प्रॉपरली ड्रग बन जाती है। अगर हम पेंसिलिन की स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ पर क्या है आर, आर का मीनिंग क्या है, कोई भी हम लोग जो ग्रुप अटैच करेंगे तो वो ग्रुप के साथ वो एक हमारे पास नई स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आर की जगह हम लोग ये फिनोक्सीमिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, इसमें एग्जाम्पल है जैसे जैसे हमने फर्स्ट में बेंजाइल में अटैच किया था, इसमें अगर हम अटैच करेंगे सी एच टू बेंजीन ओ तो ये हमारे पास जो ड्रग बन जाएगी वो बन जाएगी फिनोक्सीमिथाइल पेंसिलिन। अगर हम लोग इसकी जगह ये कार्बेनिसिलिन का जो ग्रुप है वो अटैच कर देंगे, ये हमारे पास कार्बोक्सी बेंजाइल है, अगर कार्बोक्सी बेंजाइल का जो ग्रुप है वो अटैच कर देंगे हम तो हमारे पास बन जाएगी ड्रग कार्बेनिसिलिन। अगर फिनोक्सीमिथाइल का हम लोग ये ग्रुप अटैच करेंगे तो ड्रग हमारे पास जो बन जाएगी वो बन जाएगी फिनोक्सीमिथाइल। ऐसे जो भी हम लोग ये पेंसिलिन के स्ट्रक्चर में आर की जगह कोई भी एनी जो कंपाउंड हम लोग अटैच कर देते हैं वो कंपाउंड उस उसके साथ मिलके एक नई जो है वो ड्रग फॉर्मुलेट कर देते, एक नई ड्रग्स जो है वो बना लेते। अब है इसमें कि जो फिनोक्सीमिथाइल पेंसिलिन है वो फर्स्ट सेमी सिंथेटिक हमने ड्रग इंट्रोड्यूस की थी, हमें वो ड्रग बनाने की क्या ऐसी कंडीशंस आ गई जो हमें ये ड्रग्स जो है वो सेमी सिंथेटिक ड्रग वो बनानी पड़ी। अब जो कार्बोक्सीमिथाइल पेंसिलिन है हमने उसको जो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप की जो फर्स्ट ड्रग थी हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल बेंजाइल पेंसिलिन थी, जो बेंजाइल पेंसिलिन है वो बेंजाइल ग्रुप से रिलेटेड ड्रग है। जो बेंजाइल पेंसिलिन है हमारा तो वो क्या करता है, बेंजाइल पेंसिलिन मेनली जो इन्फेक्टेड है आईवी की फॉर्म में, इंट्रावीनस की फॉर्म में मेनली वो एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और आईएम की फॉर्म में आई ड्रॉप्स में वो ज़्यादा जो है बेंजाइल पेंसिलिन वो अपना एक्शन जो है वो शो करता है, उसमें ज़्यादा जो आईवी रूट से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होती है। बट अगर इन केस हम लोग जो बेंजाइल पेंसिलिन है उसको ओरल रूट से पेशेंट को ओरल रूट से देंगे तो उसका जो एक्शन है ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत कम जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो हमारे एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमने जो है बेंजाइल पेंसिलिन को बेंजाइल पेंसिलिन की जगह जो ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप को रिप्लेस करके हमने फिनोक्सीमिथाइल जो पेंसिलिन है उस ग्रुप को पेंसिलिन के साथ अटैच कर दिया। बिकॉज क्योंकि जो हमारी बेंजाइल पेंसिलिन की एब्जॉर्प्शन ओरल एब्जॉर्प्शन कम आ रही थी, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में कम शो हो रहा था पेशेंट की बॉडी में, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें, उसकी जो एसिड है रेजिस्टेंस है जो बेंजाइल पेंसिलिन की उसकी जो एसिड रेजिस्टेंस है उनको इम्प्रूव कर सकें ताकि जो हमें जो ड्रग है उसका बेटर रिजल्ट मिल सके। इसलिए हमने जो फिनोक्सीमिथाइल पेंसिलिन को बेंजाइल पेंसिलिन की जो ग्रुप की जगह रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस कर दिया बेंजीन रिंग में, उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन एंड एसिड रेजिस्टेंस की जो एक्टिविटी है वो बेटर आई, इसलिए हमने वो नई ड्रग है जो उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो हमारे पास गुड रेजिस्टेंस जो हमारा गुड रेजिस्टेंस एंड जो स्पेक्ट्रम है पेंसिलिन का उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या है ऑब्जर्वेशंस की, सम हमने जो ऑब्जर्वेशंस की वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो हमारे हम जो है अपनी जो पेंसिलिन है उसके रेजिस्टेंस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज है उसको और कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं, उसलिए हमने ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस में क्या था कि हमने जो हमारे पोलर पोलर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और थर्ड है जो हमारा आयोनाइजिंग ग्रुप, ये जो हमारे तीनों ये ग्रुप्स हैं इनको हम लोगों ने जो अल्फा कार्बोनिल कार्बन एटम्स है मीन्स जैसे ये हमारा कार्बेनिसिलिन है, ये अल्फा कार्बोक्सी बेंजीन है, ये अल्फा कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी एम्पिसिलिन की, जो एम्पिसिलिन है वो भी हमारा अल्फा जो कार्बोक्सी अल्फा कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमने उनको
जो है अटैच करा दिया, जो हमारे अल्फा कार्बोनिल ग्रुप्स थे उनको हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉइंग ग्रुप एंड जो आयोनाइजिंग ग्रुप है या पोलर ग्रुप्स हैं हमारे जिनकी सब्सटेंसेस के उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो हमारे हमने गुड रेजिस्टेंस के लिए क्या किया, पोलर ग्रुप कर लेंगे इसको,
ये अपनी जो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगी, तो हमारी जो ड्रग है वो लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन है जो वो प्रोड्यूस करेगी। अगर हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, तो वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, उसका जो एक्शन है वो बहुत कम अमाउंट में हमारे पास आएगा। बट अगर हम इस रिंग को, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे, ओपन नहीं होने देंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी ड्रग है उसका जो एक्शन है वो ज्यादा टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक वो एक्शन हमारी बॉडी में रहेगा। इसलिए हम लोग जो है ओलर ग्रुप्स और जो है आयोनाइजिंग ग्रुप्स को अटैच करवाते हैं बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ, ताकि हम उसकी जो है इम्प्रूव एक्टिविटीज है उनको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास ड्रग्स हैं, सम जो हम लोग एसिड रेजिस्टेंस और को, या फिर जो पेंसिलिन रेजिस्टेंस है, एसिड रेजिस्टेंस सेम है, जब वो एसिड के साथ मिल जाती है बीटा इलेक्ट्रॉन तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन होने से वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाती। और पेंसिलिन रेजिस्टेंस है, उनको हमने कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप्स उठाए थे कि हम लोग उनको जो है उनकी जगह जो कंट्रोल करने के लिए बेंजाइल ग्रुप है, जो हमारा जो यहाँ पर हम लोग बेंजाइल ग्रुप अटैच करते हैं, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हमने बल्कि ग्रुप्स लगा दिए। जो बल्कियर ग्रुप्स हैं, बल्कियर ग्रुप्स में क्या है, वो ग्रुप हमने अटैच कर दिए। उनके अटैच करने का हमारा क्या मेन पर्पस क्या था कि जब हम लोग वो ग्रुप्स अटैच करेंगे उनके साथ, अब एसिड रेजिस्टेंस और पेंसिलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने जो बेंजाइल ग्रुप है उसकी जगह कौन से ग्रुप लगा दिए, बल्कि जो मतलब हैवी हो, ज्यादा बल्क में जिसके साथ ग्रुप्स अटैच होंगे वो हो गए बल्कायर्स ग्रुप हमारे पास। इसमें जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रोक्सासिलीन, जो प्रोक्सासिलीन है वो हमारी इसकी एग्जांपल है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर की, हम लोगों ने बेंजाइल ग्रुप की जगह जो हमारे पास यहाँ हम लोग बेंजाइल ग्रुप लगा रहे थे बेंजीन सी एच टू बेंजाइल बेंजीन में, उनको हमने रिप्लेस करके वहां पर बल्कायर ग्रुप्स लगा रहे, एग्जाम्पल मतलब क्लोक्सासिलीन का जो ग्रुप है वो अटैच कर दिया। अब जो हम लोगों ने ये ग्रुप्स अटैच कर दिए तो उन्होंने क्या क्या ग्रुप्स ने, वो ग्रुप ने स्ट्रक्चर्स में जो भी हिंड्रेंस थी, स्टीरिक हिंड्रेंसेस, जो हमारी हिंड्रेंसेज आ रही थी, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी स्ट्रक्चर को अपना एक्शन प्रोड्यूस करने में, उन हिंड्रेंसेज को उन्होंने रिमूव कर दिया, बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग को की हिंड्रेंसेज को रिमूव किया। रिमूव कैसे किया, जो बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग है उसको प्रोटेक्ट करके, सेम इसका भी वही मीनिंग है, जैसे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप या पोलर पोलर ग्रुप्स थे उनमें हमने भी क्या किया था, हमारे जो बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग है इसको प्रोटेक्ट किया था। अब जो हमारे पास बल्काइल ग्रुप्स है उन्होंने भी क्या किया, इस रिंग को प्रोटेक्ट कर दिया, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी हिंड्रेंसेस की उनको रिमूव कर दिया, इसकी जो एसिड हाइड्रोलिसिस थी उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, उसको एसिड में जाकर टूटने नहीं दिया, चेन को ओपन नहीं होने दिया, जिससे जो है हमारी बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो प्रोटेक्ट होगी। अगर चेन ओपन नहीं होगी बॉडी में उसी टाइम जाकर तो हमारे जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, जो हमारी ड्रग है जल्दी चेन अगर तो एक्शन लॉन्ग टाइम तक रहेगा। बल्काइल ग्रुप्स का भी यही मीनिंग था कि हमारी बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग को प्रोटेक्ट करना और जो हमारी ड्रग है उसका जो एक्शन है उसे प्रोलॉन्ग लाइफ प्रोलॉन्ग टाइम तक वो एक्शन प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी में। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन। इसमें जो इनका जो मेनली कंक्लूजन क्या है, हमने जो मेनली बीटा इलेक्ट्रॉन जो रिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन रिंग क्या है, अगर किसी भी एसिड के साथ कार्बन एटम के साथ मिलकर ये ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी बॉडी में,
जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ब्रेक डाउन होके उसी टाइम भी हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, अगर हम जो ऑरली अब्जॉर्प्शन में देखते हैं। इसलिए जो बेंजाइल पेंसिलिन है उसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम इफेक्ट जो होता है। हमने इस रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए टू मेथड्स यूज किए। फर्स्ट वन इज बल्गाइल ग्रुप्स, जिनकी हेल्प से हम इस रिंग को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ये जो है ओपन हो पाती रिंग, जिससे जो एक्शन है वो लॉन्ग लाइफ तक लॉन्ग टाइम तक रहता है हमारी बॉडी में। सेकेंड, इसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स लगाए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच किए, और इसके साथ हमने पोलर ग्रुप्स वो अटैच किए, जिससे कि ये रिंग जो है ओपन नहीं होती और इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है। ये हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ पेंसिलिन। अब जो हमने ये इस ये स्ट्रक्चर बना रखी है पेंसिलिन की, इसकी जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।